नमस्कार। बालराम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित अवधापुरी में यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरायू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरायू के लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध, दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यह उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरी नगर विलक्षण का अद्भुत और मनोरम, उसे ऐसा होना नहीं था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे, उनके राज में दुख का बाला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रिष्ठ यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रिष्ठ यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरायू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में उनके राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी।